इवनिंग सर बुलाया है। जी हमने इसलिए बुलाया क्योंकि आज देखने को मिल रहा है कि आज 30 लाख के ऊपर पहुंच गया अपना भारत का संक्रमण कोरोना का, तो फिर भी कोशिश तो की जा रही है कि रोके, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि उस स्तर पर रोकने की हम लोगों को कामयाबी मिल रही है और ऊपर ही मतलब अपना ग्राफ जा रहा है कोरोना का। इसलिए हमने एक मीटिंग लगाई है अपने यहाँ की अपने शहर के लिए कि अभी भी लोगों को जागरूक करने की बहुत ज़रूरी है और इसलिए हमको गली मोहल्ले में जाकर लोगों को या तो हिदायत देना है या फिर उनके चालान काटना है, क्योंकि हिदायत देने से लोग नहीं मानते हैं। इसलिए हमको मुझे लगता है कि चालान काटना ही पड़ेगा कुछ लोगों का। मास्क का तो हम उसमें हमको कंपलसरी करना पड़ेगा, लेकिन फिर भी नहीं मानते हैं तो एक बार हिदायत दे के छोड़ देंगे, दोबारा हम उनको यदि देखते हैं कार्रवाई की जाएगी, डालने की कोशिश करनी पड़ेगी। तो हमको सिविल ड्रेस में जाना है, सिविल ड्रेस में इसलिए जाना है क्योंकि पुलिस वाली ड्रेस में लोग देखते हैं और भाग जाते हैं, तो हम लोगों को सारे लोगों को सिविल ड्रेस में ही जाना है और तैयार घर के बाहर बैठे हैं, दूरी क्यों नहीं बैठे हैं आप, बैठिए ना, उस बच्ची से सीखिए कि मास्क लगा के बैठिए, बाहर बैठिए। आप कह रहे हैं बाहर घर के बाहर बैठे हैं, आपको ये नहीं लगता है कि बच्ची ये आप समझदार हैं? आपके बगल में ये कौन है आपके साथ? बहन है, बहन से नहीं सीख सकती हैं आप, बड़ी हैं वो छोटी है, वो छोटी है। इसलिए सोशल डिस्टेंस बना के रखिए, मास्क लगाइए, समय से सैनिटाइज कीजिए, ठीक है, चालान काटिए और पेमेंट दीजिए। ऐसे किसी को हिदायत देते रहेंगे ना तो ये लोग नहीं मानेंगे। चलिए ठीक है, आगे के लिए ध्यान दीजिएगा। आप लोग मास्क नहीं लगाए बैठे हो, ऐसे क्यों बैठे हो? अपने दरवाजे में बैठे का जरूरी है कि मास्क लगाएं अपने दरवाजे में? दरवाजे में बैठे तो बाहर बैठे, कोई आ जाए संक्रमण वाला व्यक्ति आपको थोड़ी पता है क्या जरूरत है किसी से? अरे ये संक्रमण वाला है काम, ठीक से होता है, पूरा देश अपने लड़ रहा है कोरोना से। आपको मतलब नहीं समझना है, आपको नहीं समझना है सर, चालान काटो सर। देखिए आप कैसे चालान काटो, एक बात बताइए, आप लोग नहीं मानते हैं, नहीं चालान कटेगा, नहीं चालान कटेगा, क्या काम करेंगे ये किसान आदमी? हम काम करेंगे, बैठेंगे क्या कुछ है? अपने दरवाजे आप लोग दूरी क्यों नहीं बनाए बैठे हैं? हम लोगों के लिए कुछ नहीं है, अपने घर में बैठे हैं। आप क्यों बैठे हैं? अंदर बैठिए ना, नहीं चालान काटिए, चालान काटिए। देखिए आप लोगों का है, चालान चालान तो कटेगा, पैसे तो है नहीं है, कहाँ से देंगे? सरकार ने कहा पैसे छीन लिए, कहाँ से देंगे पैसे? का सरकार नौकरी है तो वो भी चली गई, पैसे कहाँ से देंगे? सरकार आप ही लोगों की सुरक्षा कर रही है, आपके परिवार की सुरक्षा कर रही है, आप लोग क्यों नहीं? आप ये बताइए, आप लोग अगर पास बैठेंगे एक दूसरे को संक्रमित करेंगे, आप लोगों का ये है थोड़ा सोशल डिस्टेंस रखिए, समय से आप ये देखिए कितने पास में बैठे हैं, जैसे मतलब बिल्कुल दो गज की दूरी तो बनाइए कम से कम, क्योंकि देखिए आप लोगों की जिम्मेदारी, आप लोग बड़े हैं तो आप लोगों की जिम्मेदारी, आप लोग नहीं बैठेंगे तो बच्चों को आप क्या समझाएंगे? सब समझाएंगे, हमारे बच्चे अंदर बैठे हैं, हम लोग सब दूर दूर बैठे हैं। आप एक काम करिए, 200 रुपए निकालिए, आपका चालान तो कटेगा, नहीं कटेगा चालान, सरकार दे जाता जो चालान काटेगा, हम नहीं देंगे बिल्कुल पैसा, नहीं हमारे पास नहीं है, मजदूर आदमी अपने घर। आप एक काम कीजिए, चालान कटेगा आपका, ये आप मुझे 200 रुपए दीजिएगा, ठीक है, और ये आप आगे से आप ध्यान रखिए कि सोशल डिस्टेंस रखिएगा और अपने और अपने परिवार का ख्याल रखिएगा। आप मुझे पैसे दीजिएगा? नहीं हम नहीं देंगे पैसे, हमारे पास नहीं है पैसे, ऐसे ना हमको जाते हैं, तुम कमा के दे जाते हो, लेकिन अंदर ध्यान रखिएगा कि घर के बाहर भी बैठिए, क्योंकि आपको पता है कि दिन पर दिन बढ़ रहा है कोरोना, वो लोग नहीं मानते ही, मानेंगे क्यों नहीं मानेंगे? एक बार मानेंगे नहीं मानेंगे दोबारा हम सीधे बाकायदा चालान काट के सीधे जेल की तैयारी करेंगे। ठीक है एक बार छोड़ दो, चलिए इस बार आपको छोड़ दे रहे हैं, लेकिन आगे से आप और अपने परिवार का ख्याल रखिए, सोशल डिस्टेंस रखिए, समय से आगे देखते हैं क्या होता है। आप लोग बाहर बैठिए, अंदर बैठिए, बाहर नहीं। हाँ भाई आप लोग मास्क लगा के बैठे हैं कि नहीं? और क्या है, सैनिटाइजर रखे हैं? अच्छा करवा दीजिए, चलिए ठीक है, बढ़िया डेट सही है, अभी 2 साल चलेगा। चलिए आप अच्छी तरीके से मतलब इसको हैंडल कर रहे हैं और दूसरों को भी मतलब जागरूक करिएगा, कोई भी आपके यहाँ बिना मास्क ना लगा के आए तो उसको भी हिदायत में रखिएगा और दूसरों को समझाइएगा। चलिए बैंडन आप बहुत अच्छा लगा। हाँ भाई सब्जी वाले, मास्क क्यों नहीं लगाए हो? मास्क कहाँ है? ये मास्क रखे हैं लेकिन लगाते क्यों नहीं हो?
लगाइए अभी, ये बताओ लगाइए अभी। आपके साथ खड़े हुए हैं, सब्जी ले रहे हैं, कौन किस प्रकार की बीमारी से ग्रसित है तो आपको पता है? नहीं पता है। आप लोग बस दांत निकालते हैं, कभी बीमार हो जाओगे तो फिर पूरे मोहल्ला को सैनिटाइज करना पड़ेगा और उसको सील करना पड़ेगा। खुद में तो दिमाग है नहीं, दूसरों को दिमाग बांटते फिरते हैं। चलिए भाई, इसका चालान काटिए, ऐसे नहीं लगाए हुए जो हमने देखा है तब लगाए। दो किलो टमाटर ले लो। क्यों बेटा, चालान कटवाओगे आगे से रखोगे मास्क लगा के? बताओ भाई, लगा के रखेंगे। ऐसे क्यों लगा के रखे होगे? यहाँ पे रख ले तो ऐसे लगा के रखते हो? नहीं नहीं, चालान काटो सब बात। चलो चालान काटो, चालान 200 रुपए, 200 रुपए का चालान काटो। जब इनके जेब से रुपए जाएंगे ना तब पता चलेगा कि हाँ खराब मेरा जेब का लिया। वो तो है, चलो ये ले लेते हैं। चलो ठीक है, आगे से ध्यान रखना, ठीक है? ठीक है भाई, सड़े टमाटर फिर बेचना बंद करो, ठीक है? अच्छे दे दो। हाँ जी, ये बताइए आप लोग मास्क क्यों नहीं लगा रहे हैं? देखिए दादाजी, ऐसा है कि मास्क तो आप लोगों को लगाना पड़ेगा क्योंकि कोरोना संक्रमित फैल रहा है और आप दोनों बात बात में बैठे हैं तो एक दूसरे को संक्रमित करेंगे। हम आपके घर बैठे हैं, देखिए आप कर सकते हो, आप घर बैठे हैं, आप अपने तो नहीं है अपने घर में मास्क कम लगाते हो? देखिए आप लोग सहयोग करेंगे तभी ये जाके होगा, क्योंकि एक जन का सहयोग नहीं होगा। आप पालन नहीं कर रहे हैं, मैंने इनसे बोला है। ये चक्की किसकी है आप ये बताइए? आप ये बताइए, यहाँ पे चक्की पे ससवाने वाले आते हैं, आपको पता है कि कौन बीमार है कौन सही है? हम मर जाएंगे। क्यों मर जाओगे आप? आपकी जिंदगी कीमती नहीं है क्या करोगे? अरे अरे, आपकी जिंदगी कीमती नहीं है क्या? हमारी है और झूठ है। दादाजी आप है, आपके बच्चे है, उनके भैया आप कहाँ से आए? कहाँ से आए आप? क्या करवाने आए? के लिए आए। तो मास्क क्यों नहीं लगाए हैं? नहीं नहीं नहीं, तो आप ये बताइए कि यहाँ पे बैठे हैं सब लोग, आपको पता नहीं है कौन बीमार है क्यों नहीं, कौन बीमार नहीं है, आप लगाए नहीं है? इंसान है, अभी आप नई पीढ़ी के लोग हैं, आपको समझाना चाहिए लोगों को। चालान कटेगा इनका।